दम, गुस्सा, आक्रोश। ये साधारण मामला नहीं है। ये जनपद प्रतापगढ़ के सरादेव राय के ग्राम प्रधान पति शिव पूजन पटेल का है। प्रयागराज बारात गए थे, लौटते वक्त कल्याणपुर स्वराव मार्ग पर रैया गांव बदमाशों के द्वारा इनके ऊपर प्राण घातक हमला हुआ, मोटरसाइकिल छीन ले गई और बावजूद इसके मुकदमा कायम हुआ। जीवन और मौत के बीच में बराबर ये लगातार प्रयागराज प्राइवेट हॉस्पिटल में संघर्ष करते रहे। उस संघर्ष का परिणाम ये निकला कि कल ये भगवान को प्यारे हो गए, मृत शरीर उनके आवास पर आई हुई है। क्षेत्रवासियों का, अधिकारियों का, पुलिस विभाग का, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का जमावड़ा लगा हुआ है। आप स्नान संघर्ष जी, आपके प्रधान पति बारात गए थे, बारात से आ रहे थे प्रयागराज के कल्याणपुर सराव मार्ग पर रैया गांव में, उनके साथ लूट हुई, मोटरसाइकिल छीन ली गई। मामला सराव थाने के अंतर्गत था। आप लोगों के सौजन्य से, परिवार के सौजन्य से इलाज हुआ। इलाज के दौरान कल उनकी मृत्यु हो गई है और उनकी गाड़ी घर पर है। क्या कहना चाहते हैं पीड़ित परिवार के पक्ष में? ये परिवार बहुत ही लाचार और बेबस हो गया है। मैं चाहता ये हूँ कि पीड़ित परिवार को मैं ये अपने प्रधान संघ की तरफ से आश्वासन देना चाहता हूँ। पूरा प्रधान संघ इस दुख की घड़ी में उनके साथ है और शासन प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जब प्रधान और प्रधान का प्रतिनिधि भी ऐसे शासन में सुरक्षित नहीं है तो इस देश का क्या होगा। ये प्रधानों में भारी आक्रोश है और मैं चाहता हूँ कि मुलजिमों की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो और यथासंभव उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। प्रधानों की सुरक्षा के लिए शासन प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि उनकी सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया जाए, क्योंकि आए दिन प्रधानों के साथ यह घटना घटित हो रही है। आज कोई नई बात नहीं है। यह प्रधान आर्थिक रूप से पूरी तरीके से तंगी की हालत में है। मैं SDM साहब से अनुरोध करना चाहूँगा कि SDM साहब तत्काल यहाँ मौके पर आ जाएँ और कुछ आर्थिक मदद इस परिवार के लिए कर देंगे। शस्त्र लाइसेंस भी इस परिवार के लिए आवश्यक है। ये भारी जनता जनार्दन के बीच में प्रधान संघ मांग करता है कि उनको शस्त्र लाइसेंस मिल जाए और उनको आर्थिक मदद कर दी जाए। प्रधान के कोई बच्चे हैं, नौकरी योग्य हो गए हैं शासन में? नौकरी योग्य नहीं है, नौकरी योग्य नहीं है। प्रधान संघ पूरी तरीके से पीड़ित परिवार के साथ है। हमारा पूरा प्रधान संघ हर संभव मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन मैं शासन प्रशासन से भी निवेदन करूँगा कि हम मौके पर आ करके और आर्थिक मदद की व्यवस्था कर दें, संभव हो तो उनके नाम से जमीन का पट्टा कर दिया जाए। और शस्त्र लाइसेंस तो अति आवश्यक है इस परिवार के लिए, वरना भविष्य में भी कुछ घटनाएं हो सकती हैं। क्योंकि दो भाई थे, संजय भी अभी मौत से संघर्ष कर रहा है। कभी जिंदगी नज़दीक आती है तो कभी मौत नज़दीक आती है। इस नाते मैं चाहूँगा कि भविष्य के लिए शस्त्र लाइसेंस इस परिवार को और आर्थिक बदहाली दूर करने के लिए, बच्चों की खुशहाली के लिए कुछ जमीनी पट्टा हो जाए और आवास उपलब्ध हो जाए। ये प्रधान संगठन की तरफ से पुरजोर मांग है। सर, ये प्रधान पति की मृत्यु के बाद आप आए हैं परिवार के, प्रधान संघ अध्यक्ष जी हैं, पीड़ित प्रधान पति के पिताजी, उनके सहयोगियों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है तो शासन प्रशासन से प्लस सुरक्षा की व्यवस्था की बात की गई है। सर, क्या उपलब्ध करवाएंगे आप? आज यहाँ पर सराय देवराय राज्य प्रोग्राम के अंतर्गत नंदा का पूर्व, सराय नंदा का पूर्व, नंदा का पूर्वा गांव के अंतर्गत शिव पूजन पटेल जी की कुछ दिन पहले मारपीट के दौरान घायल हुए थे, कल उनके मृत्यु हुए। बॉडी आज यहाँ पर लाई गई है। शोका कोई परिवार के साथ हमारी पूरी सांत्वना है और जो भी उनकी प्रशासन, पुलिस प्रशासन और हमारे तहसील प्रशासन की तरफ से जो भी उनकी मदद हो सकती होगी वो कराई जाएगी। उनकी तरफ से हमें एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें उनके बच्चों की परवरिश के लिए जो भी सहायता, आर्थिक सहायता हमारी तरफ से दी जाने वाली होगी। इसके अलावा उनके द्वारा सुरक्षा की मांग करी गई तथा कुछ अन्य आर्थिक सहायता तथा पट्टे की भी डिमांड करी गई। उनमें से जो भी सहायता हमारी तरफ से देय होगी उसे सक्षम अधिकारी के समक्ष रखते हुए हम पूरी कोशिश करेंगे उन्हें अधिक से अधिक सहायता दिलाई जा सके ताकि उनके बच्चों की अच्छी परवरिश हो सके।
क्योंकि वो एक भीड़ देख करके लग रहा है कि काफ़ी अच्छे आदमी थे और यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर और लोकप्रिय आदमी थे। अतः तहसील प्रशासन की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें जो भी उनकी मदद करिए। प्रतापगढ़ जनपद से हिंदुस्तान टीवी टुडे अवनीश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।